हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिवानी आर्ट गैलरी पर। तो इस वीडियो में हम जो मैंने स्प्रे खरीद कर लाई थी उसका यूज करके देखेंगे और आपको दिखाऊंगी। तो आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी, मैंने क्या क्या सामान लेकर आई थी। उसमें मैंने बताया था कि मैंने ये वाला गोल्डन स्प्रे खरीद के लाई हूँ। तो मैंने भी उसका यूज आज तक नहीं किया है, मैं भी पहली बार ही स्प्रे का यूज करने वाली हूँ। तो मैं सोची थी, मैंने ये आपको पता ही होगा, ये मैंने बनाया था, ये कोकोनट के ऊपर का जो रहता है ना, नट तक बोलते हैं हमारे इधर, तो ये वो था। और ये मैंने क्ले से बनाया था, तो मुझे अभी ये ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा ये गंदा भी हो गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना यार इस पे मैं स्प्रे का यूज करूं। और मेरे पास एक बॉटल थी, उस पर मैंने कांच की बॉटल पे मिट्टी का वर्क करके रखा था, उस पर मैं कलर करना चाह रही थी पर उस पर भी अच्छे से कलर नहीं हुआ था, तो वो भी मेरे पास रखी है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं इसे और उस बॉटल पे स्प्रे पेंट करके देखूंगी। तो चले अब वो स्प्रे पेंट हम निकाल लेते हैं और जो बॉटल मैं आपको बोल रही हूँ वो दिखा देती हूँ। तो जो मैं बोल रही हूँ वो ये वाली बॉटल है, तो इसके फ्लावर हम निकाल देते हैं। ये फ्लावर हमें अच्छे से रख देना है। और ये वाली जो बॉटल है इस पर मैं स्प्रे पेंट करना चाहती हूँ। ये तो देखो नीचे से थोड़ी खराब हो चुका है, तो स्प्रे पेंट करने की वजह से ये ठीक हो जाएगी। तो ये देखो, अब मैं इसे रख देती हूँ, हमें यहाँ पर इसे रखना है इस टेबल पे, हमें स्प्रे पेंट करके आपको दिखाना है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि हमारा जो स्प्रे है वो कहाँ रखा है। ये सामान मेरे पास अभी पन्नी में ही रखा है, मैं और भी मेरा थोड़ा काम था, मैं कर नहीं पाई। तो ये है हमारा स्प्रे। तो दोस्तों आपने देख ही लिया है, ये हमारे स्प्रे पेंट की बॉटल है और ये काफी बड़ी है। ये 400 ml का है और मैंने भी अभी तक इसे यूज नहीं किया है, पहली बार यूज करने वाली हूँ। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या रहता है। और ये जो बॉटल है इस पर मैं इस स्प्रे पेंट का यूज करने वाली हूँ। गंदी है। तो ये बॉटल पे मैंने मिट्टी का वर्क किया था और इस पर मैं कलर किया था, तो ये सही से हुआ नहीं था, तो मैंने ऐसे ही रख दी थी। और इससे पहले मैंने एक बॉटल बनाई थी, वो यहाँ पे रखी हुई है, वैसी बॉटल है, उसमें रेड कलर मैंने किया था। तो अब मैं इस स्प्रे का यूज इस बॉटल पे करूंगी और इस पर करती हूँ। तो चले आप वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ताकि जो हमारा क्राफ्ट है वो खराब ना हो। तो मैं पहले इस पर करके ट्राई करूँगी, पहले हम इस पर ट्राई कर लेंगे, उसके बाद बड़ी वाली बॉटल करेंगे। तो ये वाली बॉटल को मैं साइड कर देती हूँ, अभी हम साइड में रख देते हैं। और ये आपने देख ही लिया है और हम इसका स्प्रे का यूज़ इस पर करने वाले हैं। तो मैं इसे यहाँ रख देती हूँ और बॉटल को थोड़ा हिला लेते हैं, देखते हैं अब ये कैसा होने वाला है। तो ये है हमारा शेल, थोड़ा सा पहले करके देखती हूँ, हो नहीं रहा, ओ ये थोड़ा उड़ रहा है। तो चलो इसे हमें बहुत अच्छे तरीके से हिला लेना है। चलो तो अब हिला लिया है हमने इसे, अब इस पर फिर से करेंगे स्प्रे। ये डब्बा है, इसको धो देते हैं। मुझे तो ना पेंट की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, तो हमें फेस पूरा कवर करना पड़ेगा। मैंने फेस कवर कर लिया है, अब इसको स्प्रे करने के लिए कवर करना ज़रूरी, इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है। और चलिए अब हम इसका यूज़ करेंगे। थोड़ा ज़्यादा मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ये कितना अजीब सा हुआ है यार। तो सारा जो कलर है वो मेरे हाथ पर भी लग चुका था और स्प्रे करने में थोड़ी दिक्कत भी हो रही थी, क्योंकि पहली बार मैं भी ट्राई कर रही हूँ। मैंने भी इससे पहले इस स्प्रे को कभी ट्राई नहीं किया है, मैं भी समझ नहीं पा रही थी कि ये कलर हो कैसे रहा। फिर मैंने सोचा थोड़ा ब्रश का यूज़ करके देखती हूँ, लेकिन मुझसे गलती हुई। गलती क्या हुई मैं लास्ट में बताने वाली हूँ, अगर आपको भी वीडियो में दिख रहा होगा तो समझ आ रहा होगा कि क्या गलती कर रही हूँ मैं। इसे उठाना है और यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर देखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस भी सामान पे कलर कर रहे हैं ना, उसे और बॉटल को थोड़ा दूर रखते हैं, तब कलर अच्छे से होता है। मैंने बहुत पास से इसे कलर किया तो वो पूरा बह रहा था। थोड़ी देर के लिए अब इसे सूखने के लिए रख देते हैं। अब ये देखो, ये अभी ये मैं सूखने के लिए रख दे, ये तो नहीं सूखा, पर ये देखो मेरे हाथों में, ये नाखून में अच्छा सा कलर हो गया है। ये पेपर पे बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे, और हाथों पे भी ये अच्छा दिख रहा है, लेकिन इस पर मुझे ये ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है। सारे सूखने के बाद ये अच्छा दिखने लगे, अभी तो ये पूरा गीला है। ये देखो, ये कोई ढंग से हुआ नहीं है जैसा मैं चाह रही थी, बहुत अजीब सा हुआ। चलो तो इसे थोड़ी देर सूखने दे देते हैं। तो ये जो है मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं, और ये देखो ये कैसा हुआ है, सही से इस पर हुआ भी नहीं है जैसा मैं चाह रही थी, पूरा गोल्ड जैसा दिख रहा है। तो अब इसे हम कर देते हैं साइड में,
और ये मेरी ही गलती से हुआ है। स्प्रे बॉटल को थोड़ा दूर से मैं कलर करती तो वो अच्छे से हो जाता। इसे हम कर देते हैं एकदम साइड में, ठीक है। और हम लेंगे अब ये वाली बॉटल, इसे सूखने के लिए रख देंगे। ये बॉटल पे तो कितना ज़्यादा स्प्रे लगने वाला है, ये पूरी बॉटल पे हमें स्प्रे करना है। इस बॉटल पे कलर करते टाइम मुझे समझ आ गया था कि मुझे स्प्रे बॉटल का यूज़ कैसे करना है, तो मैंने स्प्रे को थोड़ी दूर से ही किया। आप देख सकते हो मैं थोड़ा हवा में स्प्रे कर रही हूँ ताकि कलर अच्छे से हो जाए। और स्प्रे का यूज़ ऐसे ही होता है, सबसे पहले जो मैंने स्प्रे बॉटल यूज़ की थी वो आपने देख ही लिया होगा, बहुत पास से कलर किया तो वो पूरा कलर बह रहा था पानी की वजह से। तो अब मैं इसी तरह से पूरी बॉटल पर कलर कर लूँगी। वैसे ना हम कुछ भी नया करते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मतलब मुझे तो मिलता है क्योंकि मैं DIY क्राफ्टिंग में कुछ ना कुछ नया करती रहती हूँ, तो मेरा कुछ सामान बिगड़ता भी है, कुछ अच्छा भी बनता है। क्योंकि सभी को हम फर्स्ट टाइम ही ट्राई करते हैं तो थोड़ा अगर गड़बड़ भी हो जाता है तो हम नेक्स्ट टाइम उसे सुधार लेते हैं। वो जो भी कुछ गड़बड़ होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ ताकि आपसे वो गलती ना हो। मैंने ना इस स्प्रे से दोनों चीज़ों पर कलर कर दिया है और इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा आ रही थी ना, मुझे पूरा फेस कवर करना पड़ा और अभी वो दोनों सूख रहे हैं। फिर मुझे लगा कि क्यों ना मैं इस पर भी ट्राई करूं। ये मेरा चश्मे का डब्बा है जो मैं डेली में यूज़ करती हूं, तो मैंने सोचा इस पर ट्राई करूं। लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरा डेली यूज़ वाला चश्मा है तो इसे मैं जितना ज़्यादा अच्छा डेकोरेट कर सकूं उतना अच्छा डेकोरेट करूंगी, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डेकोरेट करूंगी। तो इसे रख देते हैं और अब हम देखते हैं कि हमारे जो हमने कलर किया है, जो हमारी बॉटल है और वो शोपीस है, वो कैसा लग रहा है बताती हूँ। तो सबसे पहले हमने इसमें कलर किया, जैसा मैं चाह रही थी वैसा कलर नहीं हो पाया क्योंकि मुझे स्प्रे का यूज करते नहीं आ रहा था कि इसे कैसा करूं। मैंने बहुत ही स्प्रे का यूज थोड़ा दूर से होता है और मैंने इस पे क्या किया, बहुत पास से स्प्रे कर दिया था तो ये थोड़ा अजीब सा हुआ और इसमें से पानी जैसा निकल रहा था, तो ये मैं पास से दिखाती हूँ आपको, ये थोड़ा अजीब हुआ है, बाकी ये बहुत अच्छा हुआ है। तो मैंने पहले इसलिए इसी पे ट्राई किया था कि मेरी बॉटल खराब नहीं होनी चाहिए, तो मैं इस पे ट्राई करती हूँ क्योंकि मैं भी पहली बार यूज कर रही थी। फिर सेकेंड हमारी बॉटल ये रही, जैसा मैं चाह रही थी ये बॉटल वैसे ही हुई, पूरा गोल्डन लुक देख सकते हो आप, कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है। इसमें हम फ्लावर लगाएंगे तो हमारी बॉटल और ज्यादा अच्छी लगेगी। तो आप लोगों को ये कैसा लगा मुझे बताना जरूर, और स्प्रे आपको कैसा लगा। मैं जो गलती मुझसे हुई है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आप स्प्रे का यूज करो तो थोड़ा दूर से यूज करना। ये बॉटल पे हमने दूर से स्प्रे किया तो ये बहुत अच्छे से कलर हुई, और इस पे हमने स्प्रे का यूज पास से किया तो ये बहुत अजीब सा हुआ, बह रहा था पूरा पानी जैसा बह रहा था। तो अब आपको मिस्टेक भी पता चल गई है और हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब कुछ पता चल गया है। तो अब इस बॉटल को हम उसकी जगह पर रखेंगे और इस पर फ्लावर लगा के देखेंगे ये कैसी लगती है। मैं बॉटल यहाँ पर रखी हुई थी तो अभी भी मैं यहीं पर रखूंगी, ये वाला सारा सामान मैं हटा देती हूँ, अभी मेरे पास सामान रखने की जगह भी नहीं है। तो मैं यहीं पर बॉटल को रख के फिर से दिखाने वाली हूँ। कैमरा पकड़ने में, बॉटल हाथ में पकड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो ये हमारी बॉटल रखा गई है उसकी जगह पे। पहले तो कैसे दिख रही थी आपको पता होगा और अब कैसे दिख रही है, और ये है बॉटल के फ्लावर। तो ये सारे फ्लावर हम बॉटल में ही लगा देंगे, ये थोड़ा पकड़ने में मुझे दिक्कत हो रही है, एक हाथ से फ्लावर भी लगाओ, मोबाइल भी पकड़ो, कैमरा भी पकड़ो। तो ये देखो आप बॉटल लग रही है ना सही, आप देख सकते हो हमारी बॉटल का लुक कुछ अलग ही दिख रहा है। और हम यहीं पर हमारा ये वाला भी क्यूटी फुटीशा क्राफ्ट यहीं पर रख देते हैं, तो गोल्डन गोल्डन हमारा सब कुछ। ये कैसा लग रहा है आपको? तो फ्रेंड्स आपने देख ही लिया होगा कि हमारे स्प्रे से कितना अच्छा कलर हुआ है। एक बार थोड़ा बहुत सभी का खराब हो सकता है लेकिन दूसरी बार से सभी का कलर बहुत अच्छे से होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे कलर भी हाथों में हो चुके हैं, नेल पेंट लग चुका है मुझे, तो मैं इन्हें साफ करके आती हूँ। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।